हे गाइस, फाइनली अब जाके अंदर एंट्री हो चुकी है, जो कि टाइमिंग के हिसाब से 10 बज चुका है और अब अंदर एंट्री हो चुकी है। तो फाइनली गाइस, एंट्री तो हो चुकी है, पानी जो आपको दिख रहा होगा। और ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ यार, क्या बस देख के बताना क्या लग रहा है यार। ये देखो, और बाकी ये भी, ये देखो और ये सब देखो। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दो रंग के ब्लॉग। सो गाइस, क्या हाल चाल है, आप लोग बढ़िया होंगे। और बाकी पीछे देख सकते हैं, अभी इगतपुरी स्टेशन पे आ चुके हैं और स्टार्टअप हमारा हो चुका था थाने स्टेशन से। और बाकी वहाँ पे जगह ना रहने के और टाइम कम रहने की वजह से इंट्रो ना शूट कर पाए और बाकी यहीं से करते किए। और बाकी बीच में इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस थे जो मैंने दिखाया इंट्रो में। और यार क्या बताएं, आते वक्त कसारा घाट का पूरा सीन ही अलग है यार। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी ना, और वीडियो पूरा देखें। तभी चलते भी आगे, जहाँ पे जा रहे वो दिखाते हैं आज इगतपुरी। बाकी आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो मैं बताता हूँ, बताने की क्या जरूरत, दिखाता हूँ पूरा यहाँ पे प्लेस। और 9 बजे यहाँ पे उतर चुका हूँ, 7 बजे से ट्रेन थी 9 बजे की, 2 घंटे का टाइमिंग है। तो अब यहाँ से चलते आगे। सो गाइस, ये यहाँ से अपनी जर्नी की स्टार्ट होती है और यहाँ से अपनी तपोवन है जो कि 7 बजे से है। और टाइमिंग तो 6:48 का था, बट टाइमिंग का थोड़ा लेट हो गया। तो अभी आ चुके हैं कसरा, और यहाँ पे तो इसका स्टॉप नहीं है, बट यहाँ पे भी रुकती है ज़्यादातर। और ये सब सीन देखने के बाद यार क्या बताएं, क्या ही लग रहा है। और बाकी ये सब कुछ सीन है और ऐसा ऐसा बहुत सा मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते अभी जहाँ पे चाह रहे हैं वहाँ। सो गाइस, ये इगतपुरी स्टेशन से बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं अकेला, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा सा प्लेस है, मैंने देखा है। तो जा रहा हूँ बस जस्ट सामने, कुछ 100-200 मीटर के आसपास दिखा रहा है गूगल पे। और बाकी पूछने पे भी सब इधर ही बता रहे, तो चलते भी आगे। तो फाइनली गाइस, आ चुके हैं म्यांमार गेट, और ये जस्ट सामने जो दिख रहा है ये है म्यांमार गेट। जिसने नहीं देखा है वो देख लो यार, इगतपुरी में क्या प्लेस। और पीछे पहाड़ देखो, पूरा फॉग बना पड़ा अभी भी ऊपर। तो अभी चलते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो ये स्टार्टअप हुआ है यहाँ से, मैंने देखा था, जो कि बहुत अच्छी प्लेस है। और आप लोग को देख के भी लग रहा होगा यार क्या चीज़ है। और तभी चलते भी आगे, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे, अभी बाहर लोग कुछ हैं। तो हे गाइस, फाइनली अब जाके अंदर एंट्री हो चुकी है, जो कि टाइमिंग के हिसाब से 10 बज चुका है और अब अंदर एंट्री हो चुकी है। और अब जो जिसको जहाँ पे पार्किंग यहाँ पे अंदर मिल सकती है अवेलेबल है। तभी चलते फिर अंदर, और ये देखो, और भी पीछे का दिखाते, बहुत बड़ा सा ये पूरा। दूर से तो पता नहीं पर नज़दीक से देखो कैसा दिखता है, दूर से तो एकदम हार्ड ये। और ये अंदर का सीन है, अभी आगे चलते हैं ये कुछ बैठने का। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है, और ये देखो फॉग पूरा यार, पूरा अभी दिख नहीं रहा है क्लियर अच्छे से। और ये अशोका चक्र, और ये विजिट करने के लिए अंदर है वो पूरा सीन, मतलब चलता है गौतम बुद्ध का जो पिछला फ़ोटो वोटो है, म्यूज़ियम टाइप का, म्यूज़ियम नहीं बोले, मतलब पूरा सीन चलता है यहाँ पर। और अभी आगे जाना है हम लोग को, देखते हैं अभी आगे। ये इधर एक और गेट है। तो गाइस, बहुत दिनों बाद फिर खिलता हुआ कमल दिख रहा है मॉर्निंग के टाइम पे यार। और ये छोटा सा पॉन जिसमें कमल बस है कमल के। और इधर यार पूरा तो गार्डन टाइप का है एकदम घूमने में। और यहाँ पे टाइम कब बीत जाएगा आप लोग को पता नहीं। और ये गेट है, अभी इधर से एक दो राउंड लगा ले, अंदर कैसा कैसा सीन है वो पूरा दिखाते हैं आप लोग को। सो फाइनली गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई मॉर्निंग में और यहाँ पे 10 बजे तक आ चुके हैं। और गाइस, जो यहाँ पे मॉर्निंग से, मतलब मॉर्निंग में बहुत जल्दी आ जाए, मैं उनसे यही मतलब सजेशन दूंगा कि यहाँ पे ना आए उस समय, 10 बजे खुलेगा, उससे पहले बहुत ऐसी प्लेस है जो इगतपुरी में घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी विजिट करें यहाँ पे, और वीडियो को स्किप ना करें यार, पूरा वीडियो देखें। इगतपुरी यार इतनी अच्छी प्लेस है ना। सुनो, मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ पर, मतलब मुंबई में ही पड़ता महाराष्ट्र में, बट हम लोग का दूसरा साइड है, लगभग 137 किलोमीटर का वो वहाँ से पड़ता है। और यहाँ से नासिक भी नज़दीक है, 45 किलोमीटर बस नॉर्मली पढ़ते हैं। तो मैं अकेले आ गया और आज थोड़ी टाइम था, तो मैंने कल ही टिकट रिटर्न भी निकाल लिया है और आने के लिए तो लिया ही था। तो चलते भी अंदर, अब यहाँ से व्यू देखो, गाइस एंट्री तो हो चुकी है पूरा अंदर का। और बाकी इस साइड अभी नो एंट्री है। और ये सब पूरा सीन है, क्या लगे रहा है यार, पूरा गार्डन वार्डन है पूरा। और ये इधर कुछ लोग अभी काम लग कर रहे हैं,
नॉर्मली भी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो अभी उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है, और बाकी इधर बंधा हुआ है तो शायद एंट्री इधर भी नहीं है। और उधर गौतम बुद्ध जी का दिख रहा होगा, और ये सब है यहाँ का सीन। यही था पूरा 876। और यार वहाँ से बस आप लोग को यही दिखाने लाए थे, देखो चलते भी आगे। सो गाइस, ये रहा अपने पीछे अशोका चक्र, और ये अपना फर्स्ट प्लेस है। और अभी बहुत से ऐसे प्लेस है जहाँ पे मेरे को जाना है, मेरे को भी नहीं पता है कहाँ पे है, बट गूगल चेक करते हैं और आपको भी बताते हैं किस किस प्लेस पे जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्लेस ही इतना अच्छा था, और बाकी की बातें छोड़ो। तो वीडियो को स्किप ना करो यार, बस वीडियो देखते जाओ। अभी तो स्टार्टअप हुआ है हमारी, अभी तो बहुत टाइम रहना है, 5 घंटा अभी पूरा घूमना है यार। वन डे ट्रिप इसलिए नहीं है, सुबह मॉर्निंग 7 बजे से लेके 7 बजे तक, फिर उसके बाद ही रिटर्न जाएंगे, उसके अलावा नहीं। तो बाकी चलिए वीडियो बने रहिए, मैं भी निकलता हूँ अब यहाँ से। अब चलते बाहर कुछ खा ले यार, मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं हो, तो चलता हूँ फिर बाहर और खा लेता हूँ, उसके बाद फिर ऑटो पकड़ते फिर चलते आगे। तो चलो। सो गाइस, अब यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पे नियर बाई में 2 वाटरफॉल है, और वहाँ पे अपने को विजिट करना है। बाकी अशोका वाटरफॉल है, तो अंकल ने बताया कि जैसे कि वहाँ पे भी पानी थोड़ा कम है वाटरफॉल में, तो एक और है तो वहाँ पे भी चलते ट्राई करते, देखते हैं, और ऑटो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और हम ऑटो में बैठे हैं, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे बावरी डैम है, और वहाँ पे जाना है, और जो कि स्टेशन से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे फिर अगर पर पर्सन का चाहे जो ऐसा कुछ नहीं चलता है, जो मतलब जितने भी लोग रहे हैं उतने का बस एक ही फिक्स रहता है, आप चाहे एक रहो चाहे जो जितने लोग। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग बहुत मतलब जितने 2-3 लोग साथ आए हो तो आप लोग को बेनिफिट होगा। और बाकी भी चलते हैं और अभी आगे दिखाते हैं। सो गाइस, ये सीन देखो यार क्या लग रहा है, ये भावली लेक, और अभी जस्ट आ चुके हैं नज़दीक में, और कुछ जाना है दूरी पे, चलते अभी आगे। तो फाइनली गाइस, एंट्री तो हो चुकी है, पानी जो आपको दिख रहा होगा, और ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ यार क्या, बस देख के बताना क्या लग रहा है यार। ये देखो वाटरफॉल यार, एक से ऊपर ऐसा 2 पहाड़ के बीच में से आ रहा है, तो रहा नहीं जा रहा है। आज कुछ कम ही लोग दिख रहे हैं, और बाकी संडे को तो यहाँ पे सुना है बहुत ज़्यादा लोग रहते, तो चलते आगे फटाफट। सो गाइस, फाइनली नज़दीक आ चुके हैं, और ये अंकल है जो कि मेरे को लेके आए, और पूरा ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे कैसा सीन है, और बाकी पीछे का दिखाते हैं आप लोग को। ये रहा वाटरफॉल, और पानी है पूरा, और लेक वेक, और यहाँ से नेचर का मज़ा लो यार, क्या लग रहा है पूरा बता नहीं सकते, अलग सा वो। सो गाइस, आ चुके हैं ये ऊपर, और यहाँ से व्यू देखो यार पीछे का, और इस साइड क्या लग रहा है यार, बता ही नहीं जा रहे, बस आप लोग देखो यार, बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार बस। वाटरफॉल जो कि ऊपर से आ रहे हैं, और इधर से फिर नीचे जा रहे हैं, और ये देखो क्या लग रहा है। सो गाइस, डेली की तरह फिर आज कर लिया कपड़ा चेंज, और बाकी अभी तक जिसने नोटिस नहीं किया पीछे का, एक बार ऊपर से दिखा रहे हैं, वो बताओ क्या चीज़ है, जो देख लिया यार एक बार कमेंट करके बताओ वो क्या चीज़ है। बाकी पीछे से दिखाता हूँ पूरा एक साथ। बाकी गाइस, अब थोड़ा दोपहर का टाइम हो रहा है, तो कुछ और लोग आ रहे हैं, और ये सीन रहा, और अभी अपने साथ कुछ लोग अभी इधर हैं, और ये अपना बैग रख दिया, और ऊपर से पानी आ रहा है वहाँ से, तो अभी कोई नहीं, अभी इन्जॉय करते यार, मैं भी नहा लिया यार, क्या फ्लो है इसका। जब गाइस ये अक्टूबर में इतना फ्लो है, तो अलग मंथ में सितंबर या उससे पहले जब रेनी सीजन था इस समय भी है, बट उतना नहीं है, और इस समय फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल बहुत जगह तो वाटरफॉल ही ख़त्म हो चुका होगा, बट अभी इसमें आ रहा है फ्लो भी आ रहा है, तो कोई नहीं, इन्जॉय करते और आप लोग भी करो।
सुबह नहा के तो एकदम मज़ा आ गया, और बाकी वाटरफॉल, अब हल्की हल्की धूप है और अलग सा सीन चल रहा है। बाकी गाइस नाव आके कपड़ा वपड़ा पूरा चेंज कर लिए और फिर ये बैग ले लिए, अब यहाँ से निकलते। और पीछे का व्यू तो बताने लायक नहीं है, कितनी बार दिखा चुके हैं एक ही चीज़। अब चलते जल्दी जल्दी आगे, और कोई लोकेशन होता तो वो भी दिखाते यार, अभी भी वीडियो स्किप ना करे, देखते रहो बस। आज पूरा इगतपुरी टूर करेंगे आगे से, अभी तो कुछ नहीं पता, टाइम बहुत है बट लोकेशन का पता नहीं। 12:30 हो रहा है, अभी 7 बजे की ट्रेन है, 7 घंटा, देखते हैं कहीं आसपास। तो फाइनली गाइस वहाँ से चल के आ चुके हैं और आ गए हैं सीएसटी वाले इगतपुरी स्टेशन। अभी सीएसटी के लिए पूछने गए थे कि कोई ट्रेन है कि नहीं, पता चला अभी हाँ वही ट्रेन है, उसके पहले तो कोई नहीं है। और बाकी 2 प्लेस घूमने के बाद यार मज़ा सा आ गया पूरा इगतपुरी में, क्या ही प्लेस। और यहाँ का स्टेशन देखोगे यार, हर साइड पूरा पेंटिंग वेंटिंग है। और अभी आसपास में कोई और लोकेशन है, और एक बात होता था, अभी मॉर्निंग से निकले थे 5 बजे वहाँ से निकले, और यहाँ पे भी 1 बज रहा है, अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो अभी सबसे पहले खाते यार, जल्दी जल्दी में सब कुछ चला जा रहा है तो खाते, उसके बाद एक लोकेशन और है वहाँ पर भी चलते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, चलते वहाँ पर। एक सीन सा हो गया, ये जो ट्रेन जा रही है, मैंने चेक किया था कोई ट्रेन नहीं थी मुंबई जाने को, बट यहाँ से ये ट्रेन अभी जा रही है जो कि 1:20 की थी शायद। तो चलते भी आगे, पता चला जाओ टिकट लाओ, ये दूसरा जा रहा पड़ेगा। सो गाइस अब मैं पूरा क्लियर करने के बाद फिर अब जा रहा हूँ बाहर, बिकॉज वहाँ पे तो जो ट्रेन आ रही है उसका मेरे पास टिकट नहीं है, तो उससे ट्रेवल तो कर नहीं सकते। और बाकी अपने को एक दो और प्लेस जगह पर जाना है, एक जगह पे चलते देखते, अभी कुछ खा ले यार पहले, उससे फर्स्ट वो काम, फिर उसके बाद आगे। सो फाइनली गाइस कुछ खाने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है, नहीं तो अभी तक तो बहुत भूख लगी थी, और अब थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ से रेलवे डैम एक है आजू बाजू में कहीं पे, 3 किलोमीटर की रेंज में बता रहा है गूगल पे भी, तो वहाँ पे भी चलते यार। बस आपका भाई हर एक जगह यहाँ पे घुमा रहे, बस एक सा छोटा सा काम कर दो उसके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं। चलो चलते हैं। सो गाइस 3-3.5 किलोमीटर चल के अब पसीना होने लगा, और अभी बस जस्ट पहुंच गए हम लोग यार, समझ लो ऐसा सामने है पूरा। और क्या, जब मैं पहले जगह पे गया था और वो सब पीछे बैकग्राउंड में पूरा पहाड़ दिख रहा था, वो जस्ट अपने सामने है, और यहाँ से नज़दीक भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस समझ लो आ चुके हैं। तो चलते हैं अभी आगे और वहाँ से क्लियर दिखाते हैं, थोड़ा सा फ़ोन हिल रहा होगा, चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली इतना आने के बाद आप देख सकते हैं, और ये देखो गांव में आ चुके हैं अब पूरा, ऐसा कुछ नहीं यार, इगतपुरी में आए बस। और यहाँ का लोकेशन अभी खड़ा होकर दिखाते हैं, आए यार इतना चल के फिर एकदम थक चुके हैं, तो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और अब यहाँ पे ये देखो, ये है डैम, रेलवे डैम बोलते हैं इसको, बाकी भी आगे से दिखाते, बहुत बड़ा है उधर पूरे लास्ट तक, चलते हैं। बाकी गाइस ये रहा डैम, और ये अपना कपड़ा निकाल दिया यार, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और बाकी पीछे ये, हाँ ऐसा, ये रहा पहाड़ जो कि पूरी पहाड़ी एरिया है। और मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था पहली लोकेशन पर, तो उसके पीछे ये बैकग्राउंड में दिख रहा था जो पूरा फॉग बना हुआ था, तो हम लोग थोड़ा ऊपर ही आ गए हैं, अभी बहुत ऊपर, वहाँ जाने में तो जाने दो, पता चला कल वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो कोई नहीं, बस सीन का मज़ा लो यार आप लोग, तो दिखाते पूरा सीन यहाँ का कैसा है। अभी तक गाइस पूरा धूप था, और एक झटके में पूरा बादल सा हो गया, और अपन गलती से आ गया यहाँ पे, ये हम सिंगल लोग की जगह ही नहीं है, कुछ अलग सा ही है। तो कोई नहीं, बस जो दिखाना था वो दिखा दिए, वो सब छोड़ो, अभी ये देखते कितना बड़ा ये है पूरा डैम, जिसके लिए वहाँ से चल के आए पूरा 3 किलोमीटर। और बाकी यहाँ इगतपुरी आने के बाद इन सब प्लेसेस पे एक बार ज़रूर आने का ट्राई करें, आज का दिन तो पूरा सही है यार, अच्छा प्लेस है। और बाकी ये भी, ये देखो, और ये सब देखो, पूरा यार देख के मज़ा सा आ गया, बस इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना पूरा। और ये वैसी जगह है जो मेरे काम की नहीं है,
ये देखो, बाकी छाता ले लिए थे यार, बारिश होगी तो बचने के लिए जरूरी है, तो चलो चलते अभी आगे। ये सब गाइस कुछ सीन था जो कि मैंने दिखा दिया यहाँ पे, और बाकी अब बारिश आ रही है तो कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाए स्टेशन। और कुछ खाने के लिए लिए थे, खोले तुरंत बारिश आ गई। अभी इधर से ऑटो जाता है रहता है तो देखते हैं, ट्राई करते मिल जाए तो सही है। और बाकी हवा चल रही है यार, पूरा गाँव जैसा अलग सा। बाकी कोई नहीं है, बारिश भी आ गई है, चलते आगे। बाकी गाइस जाते वक्त तो बहुत तगड़ी बारिश होने लगी है, देखो कुछ क्लियर दिख नहीं रहा यार, छाता रहने के बावजूद पूरा भीग चुके हैं, छाता भी आ रहा है। चलो मिलते हैं अभी स्टेशन पे, भाग के जाते हैं। बाकी गाइस वहाँ से भागते हुए तो आ गए इधर, और पूरा भीग चुके हैं यार, देख सकते हैं पूरा कपड़ा और पैंट वैंट तो भीग ही चुका है, और बैग इस साइड में है। और मैं सबसे एक ही चीज़ दिखाता हूँ, मैं अभी कहाँ पर रुका हूँ वो आप लोग भी दर्शन कर लें। जय भोले बाबा। सो गाइस सब जगह से घूम के रिटर्न आ चुके हैं स्टेशन पे इगतपुरी, और अभी भी 3 बज रहे हैं यार, अभी भी अपने पास 4 घंटे हैं, तो बारिश हो रही है, कहीं नहीं जा सकते, देखते भी आगे क्या होते हैं। सो गाइस मॉर्निंग से फ़ोन को अभी चार्ज नहीं किए तो फ़ोन भी बंद होने वाला है, तो बाकी यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल के। आप लोग के लिए बस इतना दूर आए यार, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है ये लोकेशन, बट आप ही लोग के लिए आए हैं, पूरा एक्सप्लोर कर दिए जो है, एक्सप्लेन किए पूरा यहाँ का जो जो मैंने देखा था, और बाकी ये पीछे यहाँ से दिख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।